नाबार्ड द्वारा आज शिमला में वर्ष 2023-24 के लिए स्टेट क्रेडिट सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने भाग लिया। सेमिनार में महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण व कृषि क्षेत्र को प्रमुखता दी गई। सेमिनार में प्रदेश में जिला स्तर पर बैंकों के सीडी रेशो को सुधारने पर भी बल दिया गया है। इसके अलावा नाबार्ड व बैंकों द्वारा लोन देने की प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाने को लेकर मंथन किया गया। नाबार्ड के महाप्रबंधक विवेक पठानिया ने बताया कि प्रदेश के 8 जिलों में क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो 40% से कम है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर सीडी रेशियो का पैमाना 60% तय किया गया है। इसीलिए आने वाले समय में इसको बढ़ाने के लिए प्रयास तेज किए जाएंगे, लोन टर्म को बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। नाबार्ड की ओर से महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण क्षेत्रों और कृषि पर विशेष रूप से फोकस किया गया है। वहीं स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को बाजार उपलब्ध करने के लिए नाबार्ड विभिन्न तरीकों से मंच प्रदान कर रहा है। कंडक्ट करते हैं, एक एक्सरसाइज करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो कि अगले साल हमारा जो 1 अप्रैल से जो एग्रीकल्चर और प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग के लिए जो हमारा टारगेट होगा, जो हम बैंकों को देंगे, रिजर्व बैंक और कमर्शियल बैंक्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए देंगे, उसके लिए हम एक्सरसाइज करते हैं फील्ड लेवल से। अब क्या हुआ है कि 2-3 महीने से जो एक्सरसाइज की है, हमने इसको कल्मिनेट किया एक स्टेट फोकस पेपर में, जिसको आज हमने डिस्कस किया। तो अगले साल के लिए हम कह रहे हैं कि जो हमारा पोटेंशियल है, जो फील्ड लेवल पे पोटेंशियल अवेलेबल है, उसके अगेंस्ट हमारा रफली 32,000 करोड़ का टारगेट होना चाहिए प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग के लिए। तो ये टारगेट एक, क्योंकि कंसल्टेटिव प्रोसेस है, इसको हम डिस्कस कर रहे थे। इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम डिपार्टमेंट्स बैंकों के साथ डिस्कस करके आए हैं, अब ये हमने स्टेट लेवल पे इसको समन्वय किया और इसको लॉन्च किया। पिछले के मुकाबले जो पिछला हमारा ये था जो 29,000 करोड़ के करीब था, ये 9% के करीब ग्रोथ रेट है अभी। सर, इसमें जो व्याख्यान आए हैं अभी तक, उसमें महिला सशक्तिकरण को लेकर फोकस करने की बात कही गई है, किस तरीके से पूरा प्लान रहेगा? महिला सशक्तिकरण में हम दो चीज़ों पे ये करते हैं। एक तो कि जो हमारा जॉइंट लाइबिलिटी, जो संयुक्त देवता समूह है, ये बनाते हैं हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिफरेंट एजेंसीज से, जो कि महिलाओं के साथ काम करते हैं। दूसरा, हम काम करते हैं महिलाओं के साथ उनकी स्किलिंग करने के लिए, उनका डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जो वो बनाना चाहती हैं, जिसका लगता है उनको कि मार्केट है, उसकी स्किलिंग के लिए हम माइक्रो एंटरप्राइज और हमारा जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं उसके साथ हम उनकी स्किलिंग करते हैं। इसके अलावा हम इनको प्लेटफॉर्म देते हैं अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए और विजिबिलिटी देने के लिए डिफरेंट एग्जीबिशन और मेलास में। नाबार्ड और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत क्लियर गाइडलाइंस दी हैं कि जो भी हमारा लोन का प्रोसेस है, उसको बहुत सिंपल कर दिया जाए। ठीक है, अभी आप जानते होंगे लोनिंग के सिलसिले में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले साल एक और सर्कुलर लाया था सब बैंकों के लिए कि भाई 1,60,000 के तहत अगर कोई लोन होगा, उसका कोई कोलैटरल नहीं लेना है। तो ये जितने भी हमारे जो किसान हैं या जितनी भी महिलाएं हैं, इनकी क्रेडिट रिक्वायरमेंट इससे ज़्यादा नहीं होती हैं। तो पहला जो होता था इशू कि भाई आपके पास सिक्योरिटी नहीं है तो बैंक लोन नहीं देते थे, बट अब बैंक बहुत बढ़ चढ़ के लोन देते हैं, क्योंकि जो स्कीम्स हैं और जो गवर्नमेंट की डायरेक्शन है, वो बहुत फ्लेक्सिबल कर दी गई हैं। अब हो ये रहा है कि अब बैंक लोगों के पीछे या महिलाओं के पीछे जा रहे हैं कि आप हमारे से लोन लीजिए, ये सिस्टम आ गया है अभी। सीडी रेशियो में इसलिए फोकस कर रहे हैं कि अगर आप देखें जो हमने प्रेजेंटेशन किया, जितना अगर एग्रीकल्चर का, अगर आप पिछले साल का 8,855 करोड़ का डिसबर्समेंट हुआ है, इसमें 82% डिसबर्समेंट जो है क्रॉप लोन है, मतलब खेती पैदा करने के लिए लोन दिया गया है, और 18% जो है वो टर्म लोन है। टर्म लोन क्या होता है? टर्म लोन 1 साल से ज़्यादा 5 साल 7 साल के लिए होता है। तो अगर जो लोन 5 साल 7 साल के लिए है, इसका मतलब उसका आउटस्टैंडिंग ज़्यादा देर तक रहेगा। तो अगर बैंक इसके ऊपर फोकस करेंगे तो क्या होगा, आउटस्टैंडिंग बढ़ता जाएगा। जब आउटस्टैंडिंग बढ़ता है तो जो बैंकों का सीडी रेशियो वो बढ़ जाता है, तो बढ़े। तो अभी ये सिचुएशन है कि 8 डिस्ट्रिक्ट हैं 12 में से जिनका सीडी रेशियो 40 से कम है, जबकि हमारा जो सीडी रेशियो नेशनल लेवल में जो प्रिस्क्राइब है वो 60% है। तो जब कहते हैं कि अगर 40% से नीचे किसी भी डिस्ट्रिक्ट में सीडी रेशियो हो, तो उसमें हमारे को स्पेशल कमेटी बनानी है इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए। तो हर एक स्टेट में सब कमेटी ऑफ डीसीसी बनी हुई है, जो कि लो सीडी रेशियो के इंटरवेंशन क्या हो सकते हैं उसके लिए मंथन करती है। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।